तो एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मॉनसून मेहरबान होता हुआ दिखाई दे रहा है। मरुद्रा में बारिश जोरदार हो रही है। 48 घंटे बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, फिर मॉनसून रिटर्न्स से नाम दिया गया है। तो 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और 2 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की, जहां पर आज सुबह से ही अचानक मौसम का बदलता हुआ मिजाज देखा गया और तेज बारिश देखने को मिली। और मौसम विभाग की माने तो आपको बता दें कि अलर्ट भी जारी किया गया है 12 जिलों में। राजधानी जयपुर की अगर बात करते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं, गौरव गौड़ हमारे साथ। गौरव, किस तरह का मौसम, क्योंकि लगातार सुबह देखा गया था अचानक से बूंदाबांदी शुरू हुई, फिर भारी बारिश देखने को मिली जयपुर में। हर्षिता, देखिए बंगाल की खाड़ी में जो लो प्रेशर एरिया बना है वो अब आगे बढ़ते हुए झारखंड के ऊपर से निकल रहा है, जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। और आप कहें तो जाते जाते राजस्थान में फिर मेघ मल्हार हो गए हर्षिता। लेकिन एक ऐसा जो पॉइंट है इस बारिश का, मैं आपको आज दिखाना चाहूंगा। अभी हम फिलहाल मालवीय नगर के एक अंडरपास के नीचे मौजूद है, नंदपरी अंडरपास के नीचे, और यहाँ आप जल भराव की स्थिति देख पाएंगे कि एक जो टेम्पो है वो यात्रियों से भरा हुआ है और पानी के बीचों बीच रुक चुका है। और आप देखेंगे कुछ लोग जो है इसे पार करने के चक्कर में खुद को चोटिल भी कर चुके हैं, गाड़ियों का नुकसान हो रहा है। लेकिन ना तो उन्हें यहाँ कोई रोकने वाला है, ना यहाँ कोई उन्हें बताने वाला है। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, कुछ लोग यहाँ के स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हमने जानने की कोशिश करी कि ऐसी स्थिति में क्या रहता है, कैसे बीच बचाओ कौन करता है इनका बचाओ। सर, ये क्या स्थिति? बचाओ तो कोई नहीं करता है, काफी लोग आए दिन यहाँ गिरते हैं और एक दो बार आदमी मर भी गए इसके अंदर। मैं 25 साल से इस चीज को देख रहा हूँ, आज तक इस समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। जैसे नॉर्मल पानी भी आता है तो इस तरह मालवीय नगर का भी पूरा पानी आता है, वहां से जवाहर सर्किल से लेकर ये नंदपुरी का अंडरपास तक पूरा पानी भर जाता है। उसके बावजूद यहाँ कोई प्रशासन या JDA के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये आए दिन नॉर्मल थोड़ी बहुत बारिश होती है, उसमें भी यही हालत होती है। जैसे कि अभी थोड़ी बहुत देर 10 मिनट बारिश हुई है, उसमें आपके कितने लोग परेशान हो रहे हैं, काफ़ी लोग ऑफिस जा रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ गिर भी पड़ रहे हैं आपके सामने, पैदल जा रहे हैं, काफ़ी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। ये आए दिन की समस्या है, ऐसा दिन नहीं है कि देखिए हर्षिता, स्थानीय लोगों में इस चीज़ को लेकर के रोष है, जो बता रहे हैं कि हम पिछले 20-25 साल से यहीं निवास करते हैं और सिर्फ 10 से 15 मिनट की बारिश में जो स्थिति यहाँ बन जाती है वो किसी की जान को जोखिम में डालना। जैसा कि यहाँ के निवासियों ने बताया कि यहाँ पहले ऐसे हादसे हो चुके हैं कि जान तक चली गई, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। और आप देखेंगे कि 10 से 15 मिनट की बारिश में ऐसी स्थिति हुई है, ना तो कोई ट्रैफिक को रोकने वाला है। आप देखेंगे एक तरफ से पूरा जो ट्रैफिक है वो रुक चुका है। ऐसे में नहीं, पुलिस की व्यवस्था है कि आगे से जनता को डाइवर्ट किया जाए। अब अभी इसी मौके पे अगर अचानक अगर दोबारा बारिश आ जाती है तो इसी हालात में पिछली बारिश के अंदर इसी तरीके से ट्रैफिक लगा हुआ था, अचानक बारिश आ गई तो इसमें 4-5 गाड़ियां भी डूब गई थी, जिसमें मेरी भी गाड़ी थी, क्योंकि अचानक वहाँ ट्रैफिक रोकने वाला कोई बंदा रहते नहीं है। अभी यथास्थिति बारिश बंद है, अचानक बारिश आ जाती है तो उस बेस पे काफ़ी गाड़ियाँ डूबी हुई भी हैं, काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा हानि भी हुई है। एक नहीं, कम से कम ये 1000 बार ये आस्था हो चुका है इस नंदपुरी अंडरपास में। मेरा नाम एडवोकेट राजा गुजर के नाम से है और मैं नंदपुरी में 25 साल से यहाँ निवास कर रहा हूँ। जिस दिन देखिए हर्षिता, आप देखेंगे कि अब तक वो जो टेम्पो है वो बीच रास्ते में खड़ा है और इंतजार कर रहा है कि कब जो जल का स्तर है वो थोड़ा कम हो जाए ताकि वो बेचारी सवारियों को उतार पाए। और आप पीछे, मैं कैमरामैन से कहूंगा जूम करके, वो आपको दिखाएंगे आपकी टीवी स्क्रीन पे कि अगर अभी बारिश आती है और पानी जो है वो फिर से बढ़ जाता है तो गाड़ी को आप पीछे तक नहीं ले जा सकते, आपको गाड़ी छोड़ करके खुद की जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। वो भी हम देखेंगे एक मरुस्थल पे। ये कहां, जयपुर के अंदर, मालवीय नगर के अंदर की स्थिति है हर्षिता। बिल्कुल गौरव, देखिए हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं दर्शकों किस तरह जो ये इलाका है पानी में तब्दील हो गया है। 10-15 मिनट की बारिश में ये हाल है, तो ज्यादा बारिश हुई तो जो ये ऑटो भी फंसा हुआ है इसमें तो लोग बचा ही नहीं पाए खुद की जान। किस तरह से प्रशासन क्यों नहीं, यहाँ कोई नहीं पहुंचा मदद के लिए भी। और जैसा स्थानीय लोगों से आपने बातचीत की, उन्होंने भी बताया कि ऐसा अभी नहीं, कई सालों से देखा जा रहा है। जी हर्षिता, स्थानीय लोग अभी इसी चीज के ऊपर जोर दे रहे थे कि साहब अगर यहाँ पर दोबारा बारिश आती है तो ना तो कोई ट्रैफिक को रोकने वाला है, ना किसी कोई बताने वाला है कि कहां से जाएं कहां से आए। अभी कुछ लोग यहां मौजूद थे जिनसे हमने पूछा कि आप इतने पानी के अंदर भी मोटरसाइकिल लेकर के आगे आ रहे हैं, आपको अपनी जान का खतरा नहीं? तो उनका कहना था साहब काम पे जाना है और दूसरा रास्ता हमें पता नहीं।
तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे आसपास के निवासी भी और वो लोग जो यहाँ से निकल रहे हैं जिन्हें दूसरे रास्तों के बारे में नहीं मालूम है वो हादसों का शिकार हो रहे हैं। गौरव, एक बार आप अपने कैमरामैन से कहिए कि जो ऑटो फंसा हुआ है वापस से उसकी जरा तस्वीर दिखाएं कि अब कोई आया है, अब ऑटो निकल पाया है, कोई मदद करने आया है। जी मैं बिल्कुल कहूंगा आपको टीवी स्क्रीन पर कि वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऑटो जो है अब थोड़ा जल स्तर कम होने की इंतजार में है कि कैसे जल कम हो और वो बाहर निकल पाए। हर्षिता जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बड़ी गाड़ियां जो है, बड़ा ट्रक उसको साइड से कट करते आ रहा है पीछे से। बिल्कुल गौरव, हम देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन भी आंखें मूंद के बैठा है क्योंकि जैसे 10-15 मिनट की ये बारिश है उसके अंदर ही इतना जल भराव हो गया है, और अगर ये ज्यादा बारिश होती तो किस तरह से ये सड़कें लबालब पानी से भरी होती, ये अपने आप में बहुत गहन मुद्दा है और इसको प्रशासन को जरूर सोचना चाहिए क्योंकि स्थानीय लोग, जैसा आपने बातचीत की, उन्होंने बताया कि ये अभी का नहीं है। गौरव, एक जानकारी और लेना चाहेंगे आपसे, फिलहाल जो ये मौसम का मिजाज बदला है और कितने दिन का अलर्ट जारी किया गया है और कौन कौन से जिलों में क्या क्या अलर्ट जारी किया गया है? देखिए हर्षिता, जो टर्फ लाइन है वो राजस्थान के झालावाड़ वाला जो हिस्सा है उस हिस्से से होते हुए निकल रही है और आज और कल तक इस जो टर्फ लाइन है और जो साइक्लोनिक प्रेशर एरिया बना हुआ है वो नीचे आएगा और हो सकता है इसके साथ साथ मॉनसून जो है राजस्थान से अलविदा कह जाए, लेकिन जाते जाते मेघ मल्हार हो गए हर्षिता।